तो हे गाइस व्हाट्सअप, तो क्या सब सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू आवर माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस आज हम लोग बनाने वाले हम लोग का सर्वाइवल सीरीज में एक आयरन फार्म, क्योंकि हम लोग का सर्वाइवल सीरीज में एक भी आयरन फार्म नहीं है और तुम लोगों को पता ही है माइनक्राफ्ट में आयरन का कितना ज्यादा यूजेस है। तो गाइस इसीलिए आज हम लोग बनाने वाले एक आयरन फार्म। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर इतना लव एंड सपोर्ट। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था 5 लाइक के लिए, लेकिन तुम लोगों ने 30 लाइक क्रॉस कर दी, तो दिल से थैंक यू सो मच। तो इसीलिए आज हम लोग रख रहे हैं फिर से लाइक एम 20 लाइक का। तो इस बार थोड़ा सा लाइक एम बढ़ाए तो होपफुली तुम लोग पूरा कर दोगे। तो बहुत बकवास कर लिया, तो चलो थोड़ा सा जाते वीडियो पे। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके फर्स्ट पर्सन में। तो पहले तो हम लोग एक काम कर लेंगे, पहले हम लोग अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल पे जाते और हम लोग जो लास्ट एपिसोड में उन लोगों को ब्रेड दिया था उसका सही इस्तेमाल किया है या नहीं, चलो फटाफट से जाके देखते, उसके बाद फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। और हम आ चुके विलेजर ट्रेडिंग हॉल पे और ओके, तो गाइस सही इस्तेमाल किया है विलेजर ने। इधर 2 विलेजर मैंने लाया था लेकिन 4 विलेजर हो चुका है और 4 विलेजर बड़ा भी हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम लोग का जो आयरन फार्म है, आयरन फार्म में हम लोग 2 विलेजर को ले जाएंगे और उसको ब्रीड करा करके 20 विलेजर करेंगे। मस्त प्लान है। चलो फटाफट से हम लोग अपना नेक्स्ट काम पे लगते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट काम करना है, हम लोग को विलेजर का ब्रीड कराने का लगेगा बहुत सारा फूड। तो हम लोग का फूड के मामले में एक ही चीज है, वो है व्हीट, यानी कि ब्रेड। हम लोग सिर्फ ब्रेड ही बना सकते हैं क्योंकि हम लोग पास सिर्फ व्हीट है, आलू वगैरह नहीं है। तो हम लोग चलो फटाफट से मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सारे के सारा व्हीट को उगाता हूँ और हम लोग कम से कम 1 स्टैक ने 1.5 स्टैक के आसपास ब्रेड लगेगा। तो चलो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सारे का सारा व्हीट को उगा के फटाफट से इसको काट के फटाफट से ब्रेड बनाता हूँ और तुम लोग के साथ 2 मिनट मिलता हूँ। 2000 years later. Okay, तो हम लोग आ चुके 1 स्टैक के ऊपर ब्रेड, तो 1 स्टैक के 1 स्टैक और 5 ब्रेड आ चुके हैं। तो हम लोग को कम से कम 1 स्टैक और 20 ब्रेड चाहिए और हम लोग को 15 ब्रेड चाहिए। तो वो हम लोग छोड़ देंगे जब तक हम लोग को व्हीट उग जाएगा पूरे का पूरा, मतलब हम लोग को फार्म कम्प्लीट करते करते उग जाएगा सारा कुछ व्हीट। तो तब हम लोग इस व्हीट को काट के फटाफट से बना लेंगे अपना ब्रेड। तो चलो फटाफट से अगला काम पे लगते हैं। तो इसके बाद हम लोग फटाफट से चलते हैं हम लोग उस जगह पे जहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं हम लोग का आयरन फार्म। तो ये जगह कुछ ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग का पास ही है, सिर्फ 200 ब्लॉक 250 ब्लॉक दूर है। क्योंकि अगर तुम लोग को पता होगा तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, हम लोग का जो विलेजर ट्रेडिंग हॉल है उससे कम से कम 150 या 200 ब्लॉक दूर बनाना चाहिए आयरन फार्म। अगर इससे पास तुम लोग आयरन फार्म बनाओगे तो ये आयरन फार्म वर्क नहीं करेगा, मतलब आयरन गोलम स्पॉन नहीं करेगा। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे जगह पे, हम लोग इधर ही बनाने वाले हम लोग आयरन फार्म। तो पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग बहुत सारा सवल बनाते हैं, मतलब 2-3 सवल बना लेते हैं और फटाफट से इस जगह को थोड़ा सा प्लेन कर देते हैं। और मैंने ऑफलाइन में थोड़ा सा ग्राइंडिंग किया और बहुत सारा आयरन इकट्ठा किया, इसलिए मैं आयरन का सवल बनाऊँ। चलो फटाफट से ये सारा कुछ क्लीन करता हूँ और मैं मिलता हूँ ये सारा कुछ क्लीन करने के बाद। One hour later. तो गाइस देख सकते हैं हम लोगों ने इस जगह को पूरा पूरा प्लेन कर दिया है। हम लोग अगर इस जगह को प्लेन नहीं भी करते तो भी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग इधर बनेगा आयरन फार्म, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्लेन कर दिया। तो चलो फटाफट से अगला काम करते हैं। तो इसके बाद हम लोग लगे बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोबलस्टोन। तो चलो फटाफट से हम लोग बनाते हैं बहुत सारा पिकेक्स, मतलब 2-3 पिकेक्स बनाऊंगा और उसके बाद फटाफट से हम लोग निकलते हैं एक केव में। तो हम लोगों ने टोटल 2-3 पिकेक्स बना लिया। तो मैं एक काम करता हूं, हम लोग इधर जितना भी हम लोग कूड़ा कचरा ये सारा के सारा मैं डाल के जाता हूं, ऐसे कि हम लोग आयरन भी डाल के जाते हैं और हम लोग के साथ एक बेड ले लेते हैं। तो चलो फटाफट से निकलते हैं केव की तरफ। तो हम लोग का केव जितना मैं जानता हूँ, इधर मैंने जितना देखा है हम लोग का केव पास में ही है। तो चलो फटाफट से जाते हैं केव पे और फटाफट से माइन करते हैं कोबलस्टोन को। ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं पहाड़ पे, तो ये बेसिकली केव नहीं है, एक पहाड़ है। तो हम लोग इधर से स्टोन कलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं 6 स्टैक के ऊपर कोबलस्टोन। तो ये इतना कोबलस्टोन काफी होगा एक आयरन फार्म बनाने के लिए। और गाइस तुम लोग इस पहाड़ का हालत देखो भाई साहब, हम लोग बीच में से खोखला कर दिया भाई साहब। तो हम लोग का 2 पिकेक्स चला गया ये 6 स्टैक कोबलस्टोन खोदने में और उधर उस एरिया को प्लेन करने में हम लोग का 2 सवल चला गया, वो भी आयरन का। लेकिन ये बर्बादी हम लोग को करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग बना रहे आयरन फार्म और एक आयरन फार्म में कितना आयरन आता है इतना ये तो तुम लोग को पता ही है। और मैं जो आयरन फार्म बना रहा हूँ उसमें तो और भी ज्यादा आयरन आएगा। तो चलो फटाफट से जाते हैं अपने जगह पे और अगला काम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने जगह पे। और गाइस मैं पीछे डॉगी को देख के मुझे एक बात याद आई, मैंने पिछले वीडियो में तुम लोगों को बोला था हम लोग का एक डॉगी का नाम सोच के बताओ। तो तुम लोगों ने बहुत सारे बंदे ने बहुत सारा कमेंट किया, लेकिन मुझे जो कमेंट मतलब मुझे जो नाम बहुत ही अच्छा लगा वो है बोजो।
तो शाउट आउट टू इरेटिस गेमर को। तो अगर तुम लोग भी ऐसा शाउट आउट लेना चाहते हो तो तुम लोग भी कमेंट करो वीडियो के नीचे। अगर तुम लोग कोई भी कमेंट पसंद आता है तो मैं जरूर शाउट आउट दे दूंगा, और चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बनाएंगे बहुत सारा फर्नेस, क्योंकि हम लोग को ये सारे के सारे कोबलस्टोन को स्टोन में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग बनाएंगे पहले बहुत सारा फर्नेस। तो हम लोग के पास आ चुके हैं 6 फर्नेस, तो चलो फटाफट से मैं सारे के सारे 6 फर्नेस को लगा देता हूं फटाफट से इधर से, और उसके बाद फटाफट से हम लोग ये स्टोन को मतलब कोबलस्टोन को पकाने के लिए लगा देते हैं। तो पहले तो हम लोग एक फर्नेस पे लगाते हैं कोबलस्टोन, जितना पे हम लोग बस कोबलस्टोन है मतलब एक स्टैक, तो हम लोग बस अभी के लिए सिर्फ 59 वुड है। तो चलो फटाफट से इधर लगा देते, और हम लोग फटाफट से एक काम करते हैं, हम लोग इधर का सारा मतलब ये जितना भी पेड़ है सारे के सारा पेड़ को काट लेता हूँ, मतलब सारे को सारा नहीं काटूंगा, जितना हम लोग का जरूरत पड़ेगा उतना काटूंगा। तो हम लोग तो ऐसे पेड़ को काट के डिस्पॉन नहीं करेंगे, हम लोग इसका प्रॉपर यूज लेंगे। तो चलो फटाफट से काटते हैं बहुत सारा पेड़, और फटाफट से बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने सारा कोबलस्टोन को स्मेल्टिंग पे लगा दिया है। हम लोग थोड़ा सा सैंड को भी स्मेल्टिंग पे लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग का सैंड का भी यूज आएगा, तो हम लोग सैंड को भी स्मेल्टिंग पे लगा दिया है। तो हम लोग जितना देर हम लोग ये सब कुछ स्मेल्ट होता है तब तक हम लोग ये काम करते हैं, तब तक हम लोग अपना घर पे जाते। अरे यार अभी तक उगा नहीं क्या? अरे भाई, तो हम लोग उतनी देर एक काम करते हैं, हम लोग को चाहिए बहुत सारे लीव्स, तो हम लोग फटाफट से लीव्स कट कर लेते हैं। तो लीव्स कट करने के लिए हम लोग को लगे सियर्स, तो हम लोग ने बना लिया एक सियर्स। तो चलो फटाफट से हम लोग फटाफट से बना लेते हैं मतलब कलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारा लीव्स। Okay, तो गाइस हम लोग पास लीव्स भी आ चुके हैं। मैंने 4 स्टैक मतलब 4 स्टैक के आसपास लीव्स कट किया, 4 स्टैक लीव्स काफी होता है, और साथ के साथ हम लोग का व्हीट भी उग चुका है, तो हम लोग को कुछ व्हीट ही चाहिए। तो चलो फटाफट से निकाल लेते हैं व्हीट को, और फटाफट से बनाते हैं बाकी बचे कुचे ब्रेड। तो हम लोगों ने बाकी बचा कुचा ब्रेड भी बना लिया है। तो चलो फटाफट से हम लोग जाते हैं हमारा आयरन फार्म वाले एरिया में, और फटाफट से काम करते हैं, फटाफट से हम लोग आयरन फार्म बनाने के सामान फटाफट से इकट्ठा कर लेते हैं। तो आयरन फार्म बनाने के सामान तो हम लोग इकट्ठा कर ही चुके हैं, कुछ सामान है जो बाकी है। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे आयरन फार्म वाले एरिया में। पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं अपने लिए बहुत सारा प्लैंक्स, के बाद हम लोग को बनाना है बहुत सारा फ्लीचिंग टेबल। हम लोग को टोटल 20 फ्लीचिंग टेबल चाहिए, तो हम लोग ने टोटल बना लिया 20 फ्लीचिंग टेबल, और मैं पहले से 20 बेड बना के रख चुके थे, और साथ के साथ हम लोग ने 40 के ऊपर उल भी कलेक्ट कर चुके हैं। तो चलो फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं आयरन फार्म। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे हमारा आयरन फार्म, तो हम लोग ऊपर जाएंगे एक मतलब हम लोग टोटल 15 ब्लॉक ऊपर जाएंगे। तो चलो फटाफट से मैं जाता हूँ 15 ब्लॉक ऊपर। ओके, तो हम लोग एग्जैक्टली 15 ब्लॉक ऊपर आ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्डिंग। तो हम लोग टोटल हम लोग ऐसे करके बनाएंगे जैसे कि हम लोग टोटल 23 ब्लॉक के एरिया में हम लोग रहे। तो हम लोग इधर से हम लोग खींच देंगे 12 ब्लॉक, और सेम इस तरीके से हम लोग इधर से खींच लेंगे 10 ब्लॉक, क्योंकि हम लोग एक ब्लॉक पे ऐसे ही है, तो हम लोग 12 और 11 में होता है 23। चलो फटाफट से खींचते हैं। तो उन्होंने टोटल खींच लिया 23 ब्लॉक, मतलब एक ही रो में एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा 23 ब्लॉक। तो हम लोग फिर से एक बार काउंट कर लेंगे, अगर कोई गलती हुआ तो हम लोग फिक्स कर लेंगे। और ये 23 ब्लॉक ये चारों तरफ होगा, मतलब इस साइड भी 23 ब्लॉक, उस साइड भी 23 ब्लॉक, और इस साइड भी 23 ब्लॉक। चलो फटाफट से मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, उसके बाद तुमको समझता हूँ। ओके, तो हम लोग का टोटल 23 ब्लॉक एकदम करेक्ट है। तो चलो फटाफट से हम लोग ये बाकी का 3 साइड का भी 23 ब्लॉक करके खींच देते हैं। A few moments later. All right, तो गाइस देख सकते हैं हम लोगों ने चारों तरफ 23 ब्लॉक्स करके चारों तरफ खींच दिया है। तो गाइस इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये चारों मतलब ये जितना भी खाली एरिया देख पा रहे हो 23 ब्लॉक का, ये हम लोग पूरे कोड़े भर देंगे स्टोन से। लेकिन उससे पहले एक चीज करना मत भूलना, वो है नीचे टॉर्च लगाना। अगर तुम लोग टॉर्च नहीं लगाओगे तो भाई तुम लोगों का फार्म बनते बनते नीचे एक मॉब फार्म बन जाएगा, इसीलिए टॉर्च लगाना मत भूलना। तो चलो फटाफट से नीचे जाते हैं, और मैं बहुत सारा टॉर्च लगाकर तुम्हें ढूंढता हूँ ऊपर। तो गाइस देख सकते हैं मैंने नीचे थोड़ा बहुत टॉर्च लगाकर आ चुका हूँ। चलो फटाफट से इसके बाद हम लोग ये पूरे जगह को स्टोन से भर देते हैं। जितना सोचा था उससे 3 गुना ज्यादा स्टोन लगा है भाई साहब। तो उसके बाद हम लोग ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे हम लोग एक एक बाउंडर खींच लेंगे चारों कॉर्नर पे। तो चलो फटाफट से चारों कॉर्नर पे एक बाउंडर खींच के तुम लोगों से 2 मिनट में बताऊं, भाई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है।
5 minutes later. ओके तो गाइस देख सकते हैं हम लोगों ने चारों तरफ एक बॉर्डर खींच लिया, तो इसके बाद हम लोग ये जो बॉर्डर है ना इसके ऊपर भी एक बॉर्डर खींच लेंगे, मतलब एक और सेम टाइप का बॉर्डर खींच लेंगे। Five minutes later. तो ये चारों की तरफ दो दो बॉर्डर खींचने के बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग चारों तरफ एक एक ब्लॉक लगा देंगे और उसके ऊपर पानी लगा देंगे। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुका है तो चलो हम लोग फटाफट से काम करते हैं। हम लोग चारों कॉर्नर पे एक एक ब्लॉक लगा देते हैं, उसके बाद एक काम करते हैं, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाते हैं पहले। ओके तो हम लोगों ने एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लिया है, तो उसके बाद हम लोग फटाफट से इधर एक पानी और चारों तरफ एक एक पानी डालकर देख लेंगे क्या हम लोगों का ये जो एरिया है एकदम परफेक्टली स्क्वायर है कि नहीं। तो गाइस हम लोगों ने चारों कॉर्नर पे एक एक बकेट पानी डाल दिया है, तो उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इधर जाएंगे एकदम, पहले तो हम लोग जा देते, उसके बाद हम लोग एक ब्लॉक को छोड़ के पानी डालेंगे इधर ऐसे करके, ऐसे करते करते हम लोग को पूरे कॉर्नर में हम लोग को पानी डालना है ऐसे करके। तो चलो फटाफट से ये मैं पूरी कॉर्नर पे पानी डाल के तुम लोगों के साथ दोनों बोलता हूँ। ओके तो गाइस हम लोग का 5x5 का एरिया एक बच चुका है, मतलब हम लोग का पानी का फ्लो एकदम सही है, मतलब हम लोगों ने एकदम सही तरीके से फार्म को बनाया है। तो अगर तुम लोग को 5x5 एरिया के अंदर पानी आ रहा है तो तुम लोग का फार्म गलत बनाया हो तुम लोग। तो उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, उसके बाद हम लोग जितने भी बॉर्डर है बॉर्डर के ऊपर हम लोग लगा देंगे लीव्स। तो ये लीव्स हम लोग को पहले लगा देना चाहिए था लेकिन गलती से हम लोग लेट कर दिया, मतलब पहले पानी डाल दिए उसके बाद हम लोग लीव्स लगा रहे हैं। तो चलो फटाफट से जाते हैं एकदम कॉर्नर पे और फटाफट से लगाते हैं लीव्स। Five minutes later. Okay, तो गाइस हम लोगों ने चारों तरफ एक एक लीव्स का लाइन खींच दिया है, मतलब ये जो बॉर्डर था बॉर्डर के ऊपर एक लीव्स का लाइन खींच दिया है। इधर एक ब्लॉक लगाएंगे, उसके बाद एक ब्लॉक लगाएंगे और उसके ऊपर एक ब्लॉक लगाएंगे, तो मुझे पहले चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो सिंपल हम लोग को इधर तीन ब्लॉक लगाना है और जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा उधर से हम लोग को एक एक पूरा का पूरा एक स्क्वायर टाइप का मतलब एक जगह बनाना है ऊपर, तीन ब्लॉक ऊपर। तो ये एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हम लोग का जो नीचे जो 5x5 का एरिया है ना, हम लोग जब ऊपर वाले ये जो एरिया बनाएंगे वो हम लोग एक ब्लॉक एक्स्ट्रा खींचेंगे, मतलब एक ब्लॉक बाहर खींचेंगे क्योंकि हम लोग को ऊपर आएगा बेड, इसलिए हम लोग एक ब्लॉक बाहर खींचेंगे और नीचे वाला जो ब्लॉक होगा उसको हम लोग तोड़ देंगे और ये वाला प्लेटफॉर्म भी तोड़ देंगे। तो चलो मैं फटाफट से ऊपर का प्लेटफॉर्म बनाता हूँ और दो मिनट में तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके तो गाइस देख सकते हैं हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया नीचे से दो ब्लॉक ऊपर, तो इसके बाद हम लोग को लगेगा बहुत सारा बेड, तो हम लोग चलो फटाफट से जाते हैं नीचे और फटाफट से बहुत सारा बेड लेके आते हैं। ओके गाइस तो मैंने बहुत सारा बेड यानी कि 20 बेड लेके आ चुका हूँ, चलो फटाफट से इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सिंपली इधर 20 बेड लगा देंगे ऐसे करके। ओके तो गाइस हम लोग का बेड भी लग चुका है, हम लोगों ने टोटल 20 बेड लगाया है, एक भी कम भी नहीं एक भी ज्यादा भी नहीं। तो इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, और हाँ एक चीज जो तुम लोग अभी तक सोच रहे होंगे वो है हम लोगों ने ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक है ये हम लोग कुछ भी ब्लॉक लगा दिया, मतलब डार्ट है वुड का प्लैंक्स है, तो ऐसा क्यों मैंने लगाया? तो देखो ये बेसिकली एक टेम्पोररी ब्लॉक है, इसको हम लोग बाद में हटा देंगे क्योंकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद हम लोग ये जो बीच वाला ब्लॉक है इधर बीच वाला ब्लॉक पर हम लोग लगाएंगे एक ग्लास, उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे एक ग्लास और उसके बाद इधर हम लगाएंगे तीन ग्लास ऐसे करके और इस तरफ भी तीन ग्लास, मतलब चारों ये जो हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया ना 6x7x7 का ये हम लोग सेम ऊपर बनाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पड़ेंगे। हम लोगों ने नीचे वाला प्लेटफॉर्म बनाया था कुछ भी ब्लॉक से, लेकिन ऊपर वाला प्लेटफॉर्म बनाएंगे ओनली ग्लास से। तो चलो फटाफट से ये हम लोग ग्लास फटाफट से लगाते हैं और फटाफट से प्लेटफॉर्म कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हम लोगों के साथ एक सीन हो चुका है, तो नीचे से बहुत सारे डाउन्स आ रहा था और मैं मार मार के भगा रहा था, तो एक डाउन का हाथ में था ट्राइडेंट और जैसे मैंने उस डाउन को मारा और भाई साहब देखो हम लोग के पास क्या है, भाई साहब एक ही मतलब एक राउंड को मार के हम लोग को ट्राइडेंट मिल गया, भाई साहब क्या लक चल रहा है भाई साहब। तो चलो फटाफट से जाते ऊपर और बाकी सारा काम भी कंप्लीट करते हैं चलो। ओके तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर और मैंने पूरे पूरा कांच का प्लेटफॉर्म पूरा पूरा बना दिया है। तो गाइस मैंने एक गलत चीज बोला था, वो था हम लोगों ने दो ब्लॉक बढ़ाना है, मतलब हम लोग टोटल ये चारों तरफ इधर तक ऐसे दो इस तरफ भी दो मतलब चारों तरफ दो दो ब्लॉक बनाना है, लेकिन मैंने गलती से तीन ब्लॉक बोल दिया था। तो उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, तो उसके बाद हम लोग एक ऐसे करके हम लोग ब्लॉक लगाएंगे कांच या ग्लास ग्लास या कुछ भी लगा सकते हो, उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे फ्रीचिंग टेबल कुछ इस तरह से और इस तरह से हम लोग एक बॉर्डर बनाएंगे, जैसे हम लोग चारों तरफ बॉर्डर बनाए इस तरीके से हम लोग एक बॉर्डर बनाएंगे। लेकिन एक चीज ये जो हम लोग का कांच वाला ब्लॉक है ना इसका एक ब्लॉक बाहर के, तो चलो फटाफट से ये बॉर्डर कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हम लोग एक साइड पर 5 फ्रीचिंग टेबल लगा है और ऑपोजिट से ऑपोजिट नहीं और अलग साइड में हम लोग टोटल 7 फ्रीचिंग टेबल लगा है, तो ये एक बार तुम लोग देख लेना, ये गलती मत करना मेरे जैसा।
तो इसके बाद हम लोग ये जो फ्रेजिंग टेबल है उसके ऊपर हम लोग एक एक ग्लास लगा देंगे ऐसे करके। चलो फटाफट से ये हम लोग ग्लास लगा देते हैं। ओके, तो हम लोग लगा दिया है ग्लास और हम लोग का विलेजर रहने का जगह एकदम रेडी हो चुका है। अब हम लोग को दो विलेजर को पकड़ कर ले आना है और इधर डालना है और हम लोग विलेजर देकर ब्रीड करके 20 विलेजर बनाएंगे। तो चलो फटाफट से जाते हैं विलेजर के पास और फटाफट से दो विलेजर को पकड़ के ले आते हैं इधर। ओके, तो हम लोगों ने दो विलेजर को बिठा लिया है बोट में। तो चलो फटाफट से ले जाते हैं आयरन फार्म में। तो ये ला दिए हम लोग विलेजर को। तो चलो फटाफट से इसके लिए रास्ता बनाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग विलेजर के लिए रास्ता नहीं बनाए तो भाई कैसे ऊपर जाएगा। और अगर हम लोग कैसे भी कोशिश भी करें, जैसे हम लोग इस फेंस को तोड़ेंगे भाई विलेजर इधर उधर भटक जाएगा और भाग जाएगा। तो इसीलिए विलेजर के लिए भी एक रास्ता बनाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं विलेजर के लिए रास्ता बना के तुम लोगों के साथ 2 मिनट मिलता हूँ। ऑलराइट, तो हम लोगों ने विलेजर का हेवन जाने का सीढ़ी बना दिया है भाई साहब। तो हम लोगों ने पूरा रास्ता एकदम सेट कर दिया है। तो अब देरी है सिर्फ रात होने का। जब भी रात होगा तब भी हम लोग ये जो फेंस है इस फेंस को हम लोग तोड़ देंगे और इधर से सीधा विलेजर जाएगा ऊपर। तो चलो मैं तो इंतजार करता हूँ रात होने का। तो चलो देखते कब तक रात होगा और कब तक हम लोग ले जाएंगे सीधा ऊपर विलेजर। The next day. ओके, तो गाइस फाइनली हम लोग डाल दिए दो विलेजर को अपना जगह पे जहाँ पे हम लोग विलेजर रहेगा। भाई इन दो विलेजर को लाने में भाई इतना ज्यादा दिक्कत हुआ ना भाई साहब, क्या बताओ तुम लोगों। तो इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इन लोगों को खाना दे देंगे और इन लोगों को पैक कर देंगे, मतलब ऊपर से हम लोग ढक देंगे, क्योंकि इन दोनों ब्रीड कर करके बहुत सारा बच्चा बना देंगे, बहुत सारा विलेजर बना देगा और हम लोग चाहिए सिर्फ 20 विलेजर। तो हम लोग ये इन दोनों को बेड दे चुके हैं। तो चलो फटाफट से हम लोग तो वेट नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर से ढक देंगे। और हाँ, एक चीज़ करना मत भूलना, वो है टॉर्च लगाना। तो टॉर्च लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम लोग टॉर्च नहीं लगाओगे तो भाई ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएगी इधर, और अगर ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया तो ख़त्म है भाई ये विलेजर। तो उसके बाद हम लोग जो ऊपर से स्लैब से ढक देंगे ऐसे करके। और ये देखो इन दोनों ब्रीडिंग करने लग गए, ऐसे करके ब्रीडिंग करने लग गए। तो चलो फटाफट से ऊपर से हम लोग ढक देते हैं इन दोनों को। तो गाइस हम लोगों ने ऊपर से स्लैब से कवर कर दिया है, जैसे कि कोई भी मॉब इसके ऊपर स्पॉन नहीं हो पाए। तो उसके ऊपर हम लोग एक काम करेंगे, उसको हम लोग लीव्स लगा देंगे जैसे कि इधर इसके ऊपर आयरन गोलम नहीं स्पॉन हो पाए। चलो फटाफट से हम लोग लीव्स लगाते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ऊपर से भी ढक दिया। तो इसके बाद हम लोग आता है मेन काम, वो है आयरन गोलम किलिंग चैम्बर। हम लोग जहाँ पे आयरन गोलम को मारेंगे वो वाला चैम्बर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, उससे पहले हम लोग जो एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाया था वो पहले तोड़ देंगे, जैसे कि ये वाला ब्लॉक। ओके, तो हम लोगों ने नीचे वाला सारा का सारा जो भी एक्सेस ब्लॉक था, जो भी टेम्पररी ब्लॉक था, ये सारे के सारे ब्लॉक को तोड़ दिया है। तो जब भी ये टेम्पररी ब्लॉक को तोड़ोगे ना, तब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत ही ध्यान से इस ब्लॉक को तोड़ना, क्योंकि ऊपर है बेड और तुम लोगों को पता है ये बेड भाई हाथों से भी टूट जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से तोड़ना। और ऊपर तुम लोग देख ही सकते हो इतना सारा विलेजर आ गया, विलेजर का बच्चा आ गया। जब भी इस विलेजर बड़ा हो जाएगा तब इसे आयरन गोलम स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो फटाफट से बनाते आयरन गोलम किलिंग चैम्बर। तो उससे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ, उससे पहले मैं जाने वाला बाहर, क्योंकि मेरे पास पानी मतलब वाटर बकेट नहीं है। मेरा जो भी दोनों बकेट है वो दोनों बकेट में लावा है, इसलिए मैं तो एमएलजी नहीं कर सकता। और अगर मैं ऐसे गिरूंगा तो भाई मैं मर जाऊंगा, इसलिए भाई मेरा जो डार्ट का पाथ था उससे मैं नीचे जाने वाला हूँ और उसके बाद आने वाला हूँ ऊपर। ओके, हम लोग आ चुके हैं ऊपर। तो चलो पहले तो हम लोग ये जो 5x5 का एरिया है, ये 5x5 एरिया को हम लोग खोद देंगे। तो 5x5 एरिया को खोदने के बाद हम लोग टोटल 3 ब्लॉक, मतलब एक और ये 3 ब्लॉक, मतलब टोटल 4 ब्लॉक। तो इसके बाद हम लोग टोटल 4 ब्लॉक नीचे जाएंगे, मतलब 4 ब्लॉक का कोई जरूरत नहीं है। ये नीचे वाला ब्लॉक हम लोग का ग्राउंड होगा। तो इधर हम लोग को ऐसे करके हम लोग को टोटल एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ऐसे करके। चलो फटाफट से मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ये प्लेटफॉर्म बनाकर तुम लोग के साथ दूंगा। ओके, तो गाइस इधर मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ, वो मैंने 3 ब्लॉक बोला था लेकिन इधर 4 ब्लॉक नीचे जाएगा, उसके नीचे एक ब्लॉक आएगा, तो ये एक बात ध्यान रखना। तो उसके बाद हम लोग इधर एक चेस्ट लाएंगे, उसके बगल में एक चेस्ट लाएंगे और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे पहले। तो चलो फटाफट से मैं अंदर जाता हूँ। ओके, हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो इसके बाद हम लोग सिंपली बैठ के हम लोग लगा देंगे हॉपर, मतलब जैसे हॉपर चेस्ट के साथ कनेक्ट हो पाए। तो गाइस देख सकते हो हॉपर चेस्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है, मतलब अब इधर जो भी सामान मैं डालूंगा वो सारा का सारा सामान जाएगा इस चेस्ट में। पहले तो हम लोग फटाफट से एक बकेट ऑफ पानी लेके आता हूँ। ओके, तो मैं एक बकेट ऑफ पानी लेके आ चुका हूँ। तो हम लोग ऐसे करके पानी डालेंगे जैसे कि एकदम सीधा फ्लो इस हॉपर की तरफ, हम लोग कहीं पे भी पानी डाल दे भाई इस हॉपर की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि पानी की इतना दर तक आएगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग लगेगा बहुत ही ज्यादा साइन बोर्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा लगेगा।
तो हम लोग साइन बोर्ड को कुछ इस तरीके से लगाएंगे, कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से। ओके, तो गाइस देख सकते हैं हम लोग का कुछ इस तरीके से लगेगा हम लोग का साइन बोर्ड। तो उसके बाद हम लोग सिंपली इधर लावा डाल देंगे, ऐसे नहीं, हम लोग डाल देंगे इधर एक लावा और अपोजिट साइड पे एक लावा, जैसे पूरी जगह पे एक फैल पाए और कुछ। अब जब भी इधर गोलेम आएगा ना, गोलेम सीधा एकदम पानी के बहाव से जाएगा नीचे और नीचे जल के मर जाएगा और सीधा आयरन आ जाएगा उस चेस्ट में। तो हम लोग ये फार्म एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है भाई, तुम लोगों के साथ बात करते करते एक गोलेम आ गया। तो तुम लोग देख सकते ये फार्म कितना ज़्यादा फास्ट है। और अगर तुम लोगों को गोलेम का स्पॉन रेट दिखाऊंगा ना, मतलब अगर तुम लोग चेस्ट खोल के दिखाऊंगा कितना आयरन हुआ, तो तुम लोग देख के ना सच में शॉक होने वाले हो। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके चेस्ट के पास। तो यही टाइम है द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, कितना आयरन हम लोग को मिलेगा। अगर तुम लोग कुछ गेस कर सकते हो तो अभी कमेंट में जाके बताओ, और मैं तो अभी खोलने ही वाला हूँ। तो चलो देखते कितना आयरन कलेक्ट हुआ है। ओ भाई साहब, भाई सिर्फ 5 मिनट हुआ है भाई, एक स्टैक हो गया भाई साहब। तो गाइस फाइनली हम लोग का सर्वर सीज में बन चुका है आयरन फार्म। तो कैसा लगे ये वीडियो मुझे कमेंट में बताओ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो भाई, वीडियो देख के चला जाता हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।